नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्ट्रेट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हमारी छत्तीसगढ़ हिस्ट्री की सीरीज में। दोस्तों ये जो छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री की सीरीज है ये पूरी की पूरी सीरीज इंग्लिश में रहेगी। इज दैट क्लियर? आज का दोस्तों ये जो लेक्चर है ये लेक्चर हमारा रहेगा सबसे जो हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो इसका एक ऑर्डर होता है पढ़ने का। सबसे पहले हम लोग एंशियंट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं और फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। लेकिन इन सारी एंशियंट मेडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने से पहले बात की जाती है कि एविडेंस के। अगर मान लीजिए जैसे हम छत्तीसगढ़ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये इसके पहले मतलब कुछ और भी है। वो और भी चीज़ क्या है कि अगर यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती थी तो किस टाइम पीरियड से एग्जिस्ट करती थी, अगर एग्जिस्ट करती थी तो उसके क्या प्रूफ है। तो इसीलिए जो आज का हमारा सबसे पहला लेक्चर रहेगा जो कि फर्स्ट लेक्चर है सीरीज का, इसमें हम बात करेंगे मटेरियल एविडेंसेस के बारे में। ऐसे एविडेंसेस जो छत्तीसगढ़ का रीजन है पूरा उस रीजन में लाइफ के प्रूफ के बारे में हमें बताती है कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती थी। सो दिस इज हाउ आर ऑर्डर इन दिस सीरीज इज गोइंग टू बी। जो छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री होगी उसमें पूरा ऑर्डर इस तरीके से चलेगा। पहले हम लोग मटेरियल एविडेंस देखेंगे, फिर प्री हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, फिर एंशियंट हिस्ट्री में जो डायनेस्टीज आई हैं राइट फ्रॉम दी हरप्पन पीरियड या वेदिक एज, उसी ऑर्डर में हम बात करेंगे। क्लियर है दोस्तों? ये जो पूरी छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री की सीरीज है इट इज इनकम्पास्ड इन जो छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो जितने भी डायमेंशंस होते हैं उन सारे डायमेंशंस के बारे में इस वाली सीरीज में हम बात करेंगे और कंप्लीट सीरीज ये इंग्लिश में रहने वाली है। आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बता देता हूं, जो लोग भी CGPSC द्वारा किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे फॉरेस्ट सर्विस की हो या CGPSC की हो, तो उसके लिए CG के नोट्स यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, बजट, सेंसस, ये सारी की सारे नोट्स अवेलेबल हैं हमारे स्ट्रेट जीरो की वेबसाइट में। और उसी के साथ आपके लिए छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कोई सीरीज या फिर जो मंथली करंट अफेयर होते हैं उसके ऑर्डर में सीरीज है, प्रीवियस ईयर पेपर के सोल्यूशंस हैं, तो ये सारी सीरीजेस भी अवेलेबल हैं कहाँ पर, www.streetzero.in पर। आगे बढ़ें उससे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए, एक छोटा सा ब्रीफ है यहाँ पे। दोस्तों मेरा नाम है आलोक गुप्ता एंड हियर इट इज अ स्मॉल ब्रीफ अबाउट मी, प्लीज गो थ्रू दिस, इज दैट क्लियर? तो आप लोग बार बार मुझसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछते रहते हैं, मैसेज करके पूछते रहते हैं कि सर कहाँ से हमें कंटेंट मिलेगा, कहाँ से हम PDF डाउनलोड करेंगे, कहाँ से हम रिसोर्सेज डाउनलोड करेंगे। तो सबके लिए एक बार में आप जान लीजिए कि सारी चीज़ें streetzero.in पर अवेलेबल हैं, www.streetzero.in पर अवेलेबल हैं। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं 08447022777। और वहाँ पे जो भी कंटेंट या मटेरियल है वैसे तो बहुत चार्जेबल अफोर्डेबल है, लेकिन स्टिल आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट फर्दर बेनिफिट्स। तो चलिए हैविंग सेड दैट आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मटेरियल एविडेंसेस के बारे में, लेकिन मटेरियल एविडेंसेस के बारे में जानने से पहले एक छत्तीसगढ़ की ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं, स्पेशली एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, कि वो हिस्ट्री क्या कहती है, क्या हमें उसके बारे में पता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो देखिए ऐसा बोला जाता है कि एंशियंट टाइम में जो छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन था इसको हम लोग दक्षिण कोशाल के नाम से जानते थे। यहां पे अगर आप मैप पे नजर डालेंगे तो ये जो आपका यहां पे छत्तीसगढ़ बनता है तो ये देख रहे हो दक्षिण कोशाल लिखा हुआ है, तो उस टाइम पे इसको दक्षिण कोशाल के नाम से जानते थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो छत्तीसगढ़ का रीजन है, चाहे हम लोग इसे दक्षिण कोशाल के नाम से जाने या छत्तीसगढ़ के नाम से जाने, बस्तर रीजन के नाम से जाने, इसका मेंशन उस टाइम पे जो दो महापुराण है इंडिया में, एक रामायण और एक महाभारत, उसमें भी इसका वर्णन किया गया है, ठीक है, इसका मेंशन है रामायण और महाभारत में। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जैसे आपको पता है आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो एक्सकवेशंस वगैरह करते रहते हैं, तो उन्हें इसी रीजन से, स्पेशली जो यहाँ पे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक विलेज है मल्हार विलेज, वहां से विष्णु जी के स्टैचू मिले थे, अर्लिएस्ट स्टैचू ऑफ विष्णु, और ये जो स्टैचू मिले थे ये सुंग पीरियड से बिलोंग करते थे। यहां पे मैंने डेलिबरेटली सुंग पीरियड के लिए सुंग पीरियड का टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया है, बाकी तो सारी चीजें आपको मिलेंगी, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना सुंग जो डायनेस्टी थी वो किसके बाद आई थी, यानी उसका कार्यकाल या टाइम पीरियड क्या था।
उसके अलावा ऐसा भी बोला जाता है, ये तो होगी एंशियंट के टाइम का थोड़ा सा ब्रीफ। उसके अलावा अगर हम देखें मेडिवल, जो 6th से 12th सेंचुरी थे, तो यहाँ पे कुछ लोकल डायनेस्टीज हुआ करती थी, जैसे कि सरापुरियास, पांडुवंशीज, उसके अलावा शोमवंशी, कालचुरी डायनेस्टी, नागवंशी रूलर्स। तो ये सारी डायनेस्टीज 6th से 12th, और भी बहुत सारी डायनेस्टीज हैं जैसे कि नाल डायनेस्टी, पांडू डायनेस्टी, सबके बारे में बात करेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे तो हम ब्रीफ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे जैसे लेक्चरों को हम कवर करेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन है, अगर आप छत्तीसगढ़ का मैप देखते होगे तो समथिंग लाइक दिस दिखता है। तो यहाँ पे जो बस्तर रीजन है छत्तीसगढ़ का, उसको भी एक चोला डायनेस्टी हुआ करती थी। तो उसके जो एक राजा है, राजेंद्र चोला वन और कुलूथुंगा चोला वन, 11वीं शताब्दी में, 11वीं सेंचुरी में इन लोगों ने इस रीजन को इन्वेड भी किया था। तो ऐसा कुछ हमें पता चलता है इसकी एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री से। जैसा कि मैंने आपको बताया, विष्णु जी की एक सुंग डायनेस्टी के टाइम ड्यूरेशन में बनाई गई एक मूर्ति, उसका एक्सकवेशन किया गया था, वो मूर्ति यहाँ पे रही। और मैंने बताया था मल्हार विलेज में ये पाई गई है। तो ये देखिए, ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो आप, छत्तीसगढ़ की बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे एक एरिया है मल्हार, ये यहाँ पे रहा, तो यहां पे ये मिली थी। तो पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भैया एंशियंट आइडल ऑफ विष्णु जी वॉज एक्सकवेटेड फ्रॉम, अब या तो विलेज का नाम पूछ लेंगे, तो विलेज का नाम क्या है, मल्हार, ठीक है, मल्हारी जो गाना आया था उससे याद रख लेना, और या फिर ये पूछ सकते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में, तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। चलो भाई, अगर इतना समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं। इससे पहले मैंने आपको बस्तर रीजन के बारे में बताया था। तो बस्तर रीजन ये रहा आपका, जिसके ऊपर चोला डायनेस्टी ने कभी इन्वेजन किया था। चोला एम्पायर की अगर हम बारे में बात करें, तो ये देख रहे हो आप, चोला डायनेस्टी यहाँ पे सेटल थी हमारे साउथ इंडिया के पोर्शन में। सो दिस इज योर चोला डायनेस्टी का मैप, क्लियर है। इन सारी डायनेस्टी देखिए, आप अगर छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्वेश्चन डायरेक्टली सीजी के ऊपर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ऐसे कुछ कनेक्टिंग क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि भाई सुंग डायनेस्टी के ऊपर उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, या चोला डायनेस्टी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये सारा पोर्शन मैं छत्तीसगढ़ के जीके में कवर नहीं कर रहा हूं। जो मैंने एंशियंट हिस्ट्री की एक सीरीज बनाई हुई है, वहां पे मैंने इन सारी डायनेस्टीज के बारे में डिटेल में बताया है। तो ये सारी चीजें आप वहां से पढ़ लेना। अब हमें ये, हमने थोड़ा सा ब्रीफ ये जान लिया कि हमारे जो छत्तीसगढ़ की कहानी है वो कहां से शुरू हुई या क्या है उसके बारे में। अब बात करते हैं ये छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा कैसे गया, इसके ऊपर काफी विवाद है। जो डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियंस होते हैं या जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, तो उन्होंने ये, उनका मानना, उनके जो ओपिनियंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। क्या है, एटाइमोलॉजी का मतलब होता है ये शब्द का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो सबसे पहली कहानी तो ये चलती है कि एंशियंट टाइम में, जैसे कि मैंने बताया कि महाभारत रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है, तो एंशियंट टाइम में इसको बोला जाता था दक्षिण कोसाल। क्या, दक्षिण कोसाल के नाम से इस रीजन को जाना जाता था, यानी साउथ कोसाल के नाम से जाना जाता था। ऐसा बोला जाता है ये जो एरिया है वो भगवान राम की नेटिव प्लेस है। इनके फोटो से याद आ रहा है ये भगवान राम बने हैं। कोविड जब चल रहा था तो महाभारत और रामायण को दोबारा से दिखाया जा रहा था, तो शायद अब आपको अच्छे से याद भी आ जाएगा। तो ये भगवान राम की जन्मभूमि के तौर पे भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान राम की जो माँ थी कौशल्या, उनको ऐसा बोला जाता था कि वो कौशल नरेश की डॉटर है। तो ये हो गया इटाइमोलॉजी, मतलब ये एक व्यू हमें समझ में आया कि कौशल क्यों बोला जाता था, क्योंकि कौशल नरेश, और वहां से इसका नाम निकला हुआ है। अब अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पढ़ा गया, तो इस नाम को पॉपुलराइज करने के पीछे जिस डायनेस्टी का या जिस एम्पायर का नाम आता है वो है मराठा साम्राज्य का, जिसके फाउंडर शिवाजी को माना जाता है। शिवाजी महाराज मराठा एम्पायर के फाउंडर माने जाते हैं, और पहली बार इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल किया गया था 1795 में, 1795 में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। और पॉपुलराइज किस एम्पायर ने किया है, याद रखना, मराठा एम्पायर। तो ऐसा बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ इसलिए पड़ा गया क्योंकि यहाँ पे 36 एंशियंट फोर्ट्स हैं। मतलब जब भी ये रीजन रहा होगा, एक बड़े राजा हैं, जैसे मराठा एम्पायर के अंतर्गत ये आता होगा, तो इस एरिया में 36 फिड्यूटरीज थे। फिड्यूटरी यानी बड़े राजा ने अपने एरिया को बांट दिया, और इस एरिया में वो छोटे छोटे राजा काम करते थे। तो ऐसे 36 राज्य यहाँ पे स्थापित थे, 36 फ्यूडल टेरिटरीज हुआ करती थी। उनके नाम जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कोई आप याद भी नहीं रख पाओगे, पर फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, जैसे कि रतनपुर, विजयपुर, खरौंद, मारो, तो इस तरीके से काफी नाम है आप यहां पे देख सकते हैं।
लेकिन अब एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि जो ये एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ है 36 फोर्ट्स के बेसिस पे रखा गया है, वो इसको ऐसा नहीं मानते, वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ऐसे 36 फोर्ट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आज तक देखे ही नहीं है, मतलब उनके हमें एविडेंसेस ही नहीं मिलते हैं, तो इसलिए वो इस चीज को नकार देते हैं। मराठा एम्पायर जिसने छत्तीसगढ़ के नाम को फेमस या पॉपुलराइज किया है, तो उसका आप विस्तार देख सकते हो कितने एरिया में वो फैला हुआ था। तो ये देख रहे हो, यहां पे अगर ये फैला हुआ था तो यहीं पे आता है आपका छत्तीसगढ़, तो इसीलिए ऐसा ये एक मेंशन हो गया। क्लियर है? ये तो फर्स्ट व्यू आया हमें समझ में। और आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि जो छत्तीसगढ़ का जो एम्बलम है, उस एम्बलम में ऐसे डिजाइन बना हुआ है, और ये पता है क्या है, ये 36 फोर्ट बनाए गए हैं, तो यानी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी इस ओपिनियन को मानती है। अब आगे चलते हैं। सेकेंड व्यू कुछ इस तरीके से है, हिस्टोरियंस का मानना है कि छत्तीसगढ़ का जो नाम है वो करप्टेड फॉर्म है, मतलब बोलते हैं ना जो हम लोगों की आम बोली होती है, तो उसमें बोलते बोलते नाम बदल जाता है। तो पहले इसका नाम छत्तीसगढ़ नहीं था, छेदीसगढ़ था, और छेदीसगढ़ क्यों था, क्योंकि यहाँ पे छेदी एम्पायर हुआ करता था। आप अगर देख रहे हो ये छेतिया, ये छेदी एम्पायर है, और इसीलिए इसे छेदीसगढ़ बोला जाता था, और छेदीसगढ़ को समय के साथ बोलते 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 ये छत्तीसगढ़ हो गया है। ये जो छेदी डायनेस्टी है, ये छेदी डायनेस्टी कलिंगा का एक एम्पायर होता था उड़ीसा में, ये उसी की ही एक्सटेंशन या आम समझ लीजिए। तो एंशियंट टाइम में छत्तीसगढ़ रीजन में, जो छत्तीसगढ़ रीजन था वो छेदी डायनेस्टी का पार्ट था, और ये जो कलिंगा यानी जो मॉडर्न उड़ीसा के नाम से जानते हैं, कलिंगा का नाम आप लोगों ने मौर्यन डायनेस्टी के जो अशोका रूलर हैं उनके वॉर के चक्कर में सुना होगा। फिर उसके बाद कुछ और कहानी आती है कि ये जो पूरा एरिया था, जो बस्तर वाला या ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया था, तो मिडिवल पीरियड के टाइम पे इसका मेजर पोर्शन जो है, स्पेशली ईस्टर्न ईस्टर्न छत्तीसगढ़ का, वो उड़ीसा के संबलपुर किंगडम में भी काउंट किया जाता था। तो ये भी एक व्यू है कि भाई ये छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ आया होगा। तो हमें ये समझ में आ गया, हमें दो चीजें समझ में आ गई, दो व्यू समझ में आ गए कि भाई छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा गया, या तो 36 फोर्ट्स की वजह से या फिर छेदीसगढ़ की वजह से। और छेदीगढ़ अगर हमने सुन लिया तो यानी यहाँ पे एक डायनेस्टी रही होगी कभी, वो छेदी डायनेस्टी है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अब हम छेदी डायनेस्टी के बारे में, जैसे मैंने बताया छेदी डायनेस्टी क्या है, ये एक एक्चुअली एक डायनेस्टी थी जो कलिंगा रीजन में आई थी 1st सेंचुरी BC में। इसको छेती यानी CHETI छेती या छेतिया के नाम से भी जानते हैं, या छेदी डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी के बारे में हमें पता चलता है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, हाथी, पहली बात तो इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, देखिए बड़े बड़े पत्थरों पे कुछ कुछ लिख दिया जाता है, उनको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो ऐसे ही इंस्क्रिप्शन भुवनेश्वर में है, हाथी गुफा में, तो याद रखना वहां से हमें इस डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है वो इंग्रेव करवाए गए थे खारवेला, जो कि छेदी डायनेस्टी के थर्ड रूलर थे। क्लियर हो गया है? तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब बात करते हैं मटेरियल एविडेंस की, जो हमारे लेक्चर का मेन मुद्दा है आज के। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, तो अभी हमने देखा कि भाई ये तो कितने पीछे तक की बात हो रही है, मतलब जब रामायण महाभारत को हम लोगों ने कंपाइलेशन हुआ होगा तब भी इस जगह का जिक्र था, तो यानी काफी पुरानी बातें हैं। तो अब हम इस ये चीज देखते हैं कि अगर सच में इस रीजन में लाइफ एग्जिस्ट करती थी तो उसके क्या प्रूफ है हमारे पास। सबसे पहला प्रूफ मिलता है हमें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने एक प्री हिस्टोरिक रिमेन्स को डिस्कवर किया है, और कहाँ पे डिस्कवर किया है, छत्तीसगढ़ की सरगुजा डिस्ट्रिक्ट। छत्तीसगढ़ में एक सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है, अभी मैप में दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक नदी का बैंक है, बैंक नदी का नाम है रेणुका रिवर। तो वहां से हमें एविडेंसेस मिलते हैं, और उससे ये इंडिकेट होता है कि जो लाइफ वहां पे एग्जिस्ट करती होगी वो प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके लेट मेडिवल पीरियड तक वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब हिस्ट्री तो हमें समझ में आता है, व्हाट इज मेंट बाय प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री हमारे इतिहास का वो समय हुआ है जब या तो भाषा यानी जो लैंग्वेज है या तो वो डेवलप नहीं हुई है, या राइटिंग डेवलप नहीं हुई है, यानी उसके कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है हमारे पास। जैसे अशोका मौर्य इन सब के रिटन रिकॉर्ड्स हैं, तो इनके हमारे पास प्री हिस्टोरिक टाइम के रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होते, उसी को बोलते हैं प्री हिस्ट्री। तो एक एविडेंस तो ये मिला कि जो रेणुका नदी है उसके तट पे हमें प्री हिस्टोरिक रिमेन्स मिले हैं, जो ये दिखाते हैं कि यहाँ पे लाइफ जो है वो प्री हिस्टोरिक से लेके लेट मेडिवल पीरियड तक एग्जिस्ट करती होगी। टूल्स एंड आर्टिफैक्ट्स,
वर फाउंड ड्यूरिंग द एक्सप्लोरेशन सर्वे बाय द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इन जनवरी दिस ईयर. यहाँ पे ईयर मेंशन करना भूल गया, यानी दैट इज 2019 की बात कर रहे हैं. ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रेणुका, रेणु नदी बोला जाता है लोकल्स के द्वारा, और ये जो रेणु नदी है वो आता है आपके महेशपुर एरिया में. महेशपुर एरिया ये आपका महेशपुर एरिया जो है वो अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी है. अंबिकापुर जो टाउन है ना वो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी है. तो वहां से हमें ये रिमेन्स या हिस्टोरिक रिमेन्स मिलते हैं. तो टूल एंड आर्टिफैक्ट की हम लोग बात कर रहे थे. ये रहा आपका सरगुजा डिस्ट्रिक्ट. अगर देखें ऊपर, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश और झारखंड को टच करती है. तो इस डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया है दैट इज महेशपुर, जो अंबिकापुर हेडक्वार्टर के अंतर्गत आता है. क्लियर हो गया मैप से, आई होप हो गया होगा. आगे चलते हैं. अब बात करते हैं, ये तो हो गए टूल एंड आर्टिफैक्ट जो मिले थे. अब बात करते हैं कुछ रॉक पेंटिंग्स. रॉक पेंटिंग क्या होती है कि जो उस टाइम के आदिवासी होंगे या जो लोकल्स होते थे, तो वो घरों में तो रहते नहीं थे, वो कहां पे रहते थे, केव शेल्टर्स में रहते थे. तो वो इन केव शेल्टर्स में एज अ लेजर, मतलब जब फ्री टाइम पास करना हो तो वो क्या करते थे, दीवारों पे चट्टानों पे कुछ डिजाइन बना देते थे. इन्हीं को हम लोग रॉक पेंटिंग बोलते हैं. छत्तीसगढ़ में भी ऐसी रॉक पेंटिंग पाई जाती हैं, और ये रॉक पेंटिंग की अगर हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं, मतलब इनकी अगर एज आइडेंटिफाई करते हैं, तो ऐसा पता चलता है ये मेसोलिथिक से हिस्टोरिक पीरियड तक की टाइम की हो सकती हैं, इवन प्री हिस्टोरिक पीरियड की भी हो सकती हैं. देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद अगर हम इंडिया में बात करें हिस्ट्री में, फिर आती है हमारी स्टोन एजेस. स्टोन एजेस को हम लोग जानते हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, मेगालिथिक, इन सारे नामों से हम जानते हैं. और तो यानी पहले प्रीस्ट्री और फिर उसके बाद स्टोन एजेस आ गए, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, फिर हमारा वैदिक एज आ जाते हैं. तो इस तरीके से ऑर्डर चलता है. अब यहां पे जो रॉक पेंटिंग्स मिलती है हमारे छत्तीसगढ़ में, इनसे हमें उस टाइम की लाइफ के बारे में और उनके आर्ट या स्किल्स के बारे में पता चलता है. क्योंकि देखिए अगर वो यहां पे, ये अगर पेंटिंग है, इस पेंटिंग में उन्होंने क्या बनाया, धनुष, तो यानी इससे क्या पता चल रहा है कि वो लोग क्या करते होंगे, हंटिंग वगैरह करते होंगे, साथ में नाच रहे हैं. ये क्या दिखाता है कि वो लोग ग्रुप में रहते थे, राइट. तो ऐसे हमें उस टाइम की इन पेंटिंग्स की मदद से वहां की लाइफ के बारे में पता चलता है. अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में ऐसी बहुत सारी रॉक आर्ट साइट्स हैं. रॉक आर्ट साइट का मतलब क्या होता है, रॉक पे की गई कारीगरी, आर्ट बनाया गया, पेंटिंग की गई. तो अगर इसमें सबसे ऊपर नाम आता है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का. रायगढ़ में बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जैसे कि सिंघनपुर, यहाँ की तो केव्स बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखना है, इवन इंसाइक्लोपीडिया में भी इसका मेंशन है. काबरा पहाड़ केव्स, फिर काबरा पहाड़ जो केव्स है वहां पे भी पेंटिंग देखी जाती है. फिर है अपना बासना झार, ऊनगना, कर्मागढ़, खैरपुर, बोटलदा, बनवर खोल, अमर गुफा, गताधी, सिरोली, डोंगरी, बैनी पहाड़. तो ये जो जितनी भी जगह हैं ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती हैं. ये नामों को देख के कंफ्यूज या डर नहीं जाना है, बस इतना याद रखिए कि रॉक आर्ट साइट की एक जगह है, दैट इज रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट. रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट पाई कहां जाते जाती है, अगेन ये भी एक बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है रायगढ़. यहां पे लोकेशन देख रहे हो छत्तीसगढ़ में, और ये कुछ इस तरीके से दिखती है. ये इसकी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट भी है, आप देख रहे होंगे. ये एक तो ये याद रखना, ये आप उड़ीसा को टच करती है, ये हमेशा याद रखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट टच दी उड़ीसा स्टेट, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ टच दी उड़ीसा स्टेट, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. जैसे अभी हम लोगों ने सरगुजा के केस में देख लिया था कि सरगुजा कहाँ पे है, राइट. तो अब हम जैसे कि मैंने आपको जो जैसे बताया सिंघनपुर केव्स, तो ये लोकेशन आप देख रहे हो, तो इन लोकेशन पे एक बार नजर डाल लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है. आगे चलते हैं. तो एक हो गया हमारा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट. अभी और भी बहुत सारी जगह हैं जहां से हमें रॉक आर्ट साइट्स के तौर पे छत्तीसगढ़ में, मतलब ऐसा मेंशन है कि वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती होगी. उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे किस टाइप की पेंटिंग्स या पिक्चर्स देखने को मिलती हैं, तो जो जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की जो पेंटिंग्स हैं वहां पे पिक्चर बनी हुई है स्नेक्स की, बर्ड्स की, एलिफेंट, हम्ड कैटल, वाइल्ड बफेलो. वाइल्ड बफेलो से कुछ क्लिक कर रहा है क्या आप लोगों को, ये बताइए. चलिए यहां से क्वेश्चन बना देता हूं, विच इज दी स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़. उसके अलावा वाइल्ड बोर, डियर, राइनोसोरस, ह्यूमन फिगर्स, मरमेड्स, हंटिंग सीन्स, ज्योमेट्रिक डिजाइंस, एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड डांसिंग सीन्स. तो पेपर में क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं कि द पेंटिंग्स और पेंटिंग्स एट रॉक आर्ट साइट्स इन छत्तीसगढ़
फाउंड विद दी फॉलोइंग डिपिक्शंस, तीन चार नाम दे देंगे और पूछ लेंगे इनमें से क्या क्या चीजें वहां पे मेंशन थी। दूसरी जो जगह है रॉक आर्ट साइट की वो है कांकेर डिस्ट्रिक्ट। क्या है? कांकेर डिस्ट्रिक्ट। कांकेर डिस्ट्रिक्ट के जो शेल्टर्स हैं यानी जो केव्स वगैरह हैं वहां पे भी पेंटिंग्स देखी गई हैं। ये शेल्टर्स कहां कहां पे हैं कांकेर डिस्ट्रिक्ट में? जैसे उडकुड़ा, गरक गोड़ी, खैरखेड़ा, कुलगांव एंड घोटी तोला। इन जो ये जो कांकेर डिस्ट्रिक्ट की पेंटिंग्स हैं यहाँ पे ह्यूमन फिगर, एनिमल फिगर, पाम प्रिंट्स और बुलक कार्ड्स वगैरह के डिजाइन देखे गए हैं। उसके अलावा जो कोरिया डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, वहां पे भी दो जगहों पे हमें ये पेंटिंग देखने को मिलती है। एक है खोडसार और दूसरा है खोबर। यहाँ पे पेंटिंग मिलती है ह्यूमन फिगर्स की, एनिमल फिगर्स की, डे टू डे लाइफ की, और ये जो पेंटिंग्स हैं वो व्हाइट कलर से बनाई गई हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे। अब है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। ये बहुत स्पेशल मेंशन है तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से याद रखना। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में जो जगह है, शेल्टर है, वो वहां पे है चितवान डोंगरी में है। और यहां पे पता है चाइनीज ह्यूमन फिगर बनाया हुआ है और यहां पे ड्रैगन्स के भी फोटो हैं, तो इसीलिए स्पेशल हो जाता है। तो पेपर में डायरेक्टली आ जाएगा एट विच रॉक आर्ट साइट चाइनीज ह्यूमन फिगर वॉज डिस्प्लेड इन छत्तीसगढ़। तो याद रखना दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है वहां की जो लिम दरिया वाली जो जगह है, उसके अलावा सरगुजा डिस्ट्रिक्ट की जो शीतल लेखनी एंड ओगड़ी जगह है वहां पे भी बहुत सारी पेंटिंग्स मिलती हैं। उसके अलावा बहुत सारी और भी साइट्स हैं जहां पे मिडिल पैलियोलिथिक से लेके हिस्टोरिक पीरियड की बहुत सारी पेंटिंग्स हमको देखने को मिलती हैं, और ये बहुत सालों साल, हजारों साल पुरानी है। इससे हमें ह्यूमन बींग्स की, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स है उनके लाइफ में के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये हमने पोर्शन कवर कर लिया कि भैया जो पेंटिंग्स हैं, अगर किसी ने पेंटिंग बनाई है तो कोई ना कोई तो रहा होगा। अब जैसे छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारी जगहों के अभी मेंशन हुए नाम, तो प्लीज आप यहाँ पे इनको याद कर लीजिए। जैसे कि सरगुजा डिस्ट्रिक्ट जो है, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि सरगुजा डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है। ये पहले हुआ करती थी, लेकिन जब बाद में और क्लासिफिकेशन हो गए तो इसके ऊपर बना दिया गया बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट। बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट जो है अब बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, जो उत्तर प्रदेश और झारखंड को टच कर रही है। ऐसे ही यहां पे जसपुर डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड और उड़ीसा को टच करती है, और ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसके अलावा जैसे अभी मैंने दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का मेंशन किया था जहां पे चाइनीज ह्यूमन फिगर मिलता है, तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट यहां पे आपकी। उसके अलावा ये बिलासपुर हो गया आपका, यहां पे देख लीजिए ये बिलासपुर है। यहाँ पे बस्तर रीजन हो गया आपका। ठीक है, तो ये सारी जगहों को आप याद रखते जाना। जैसे कि अभी हम रॉक पेंटिंग्स की बात कर रहे थे, तो इसमें रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो सिंघनपुर वाला एरिया है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल मेंशन है। यहाँ पे एक पेंटेड शेल्फ पाया गया है जो जिसकी वजह से ये काफी फेमस है। ये जो शेल्टर्स हैं वो साउथ फेसिंग है और ये रायगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पे होंगे। लोकेटेड ऑन दी बिलासपुर झारसुगुड़ा सेक्शन ऑफ दी सेंट्रल साउथ ईस्ट रेल रोड। यहां पे इसके अलावा एंशियंट स्टाइल के स्कल्पचर का क्या मतलब होता है, पत्थर की जो मूर्तियां होती हैं उनको स्कल्पचर बोलते हैं। तो एंशियंट स्टाइल के स्कल्पचर्स मिलते हैं जो कि 30,000 साल पुराने हैं। ये जो रॉक पेंटिंग साइट है या पेंटेड सेल्फ है या जो स्कल्पचर्स हैं, इनको डिस्कवर किया गया था एंडरसन के द्वारा 1910 में। किसके द्वारा? एंडरसन के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1910 में। और ये जो सिंगरपुर वाली पेंटिंग्स हैं, ये इंडियन पेंटिंग्स में फर्स्ट पेंटिंग्स ऑफ इंडियन पेंटिंग्स 1918 एंड 13th इशू ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ऑफ सिंगरगढ़ ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये इसलिए इतनी ज्यादा स्पेशल है अपने आप में। उसके अलावा और भी कुछ नाम आते हैं जो वर्थ मेंशनिंग है बट नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टेयर्स, मरमेड, हंटिंग सीन्स, लाइंड डांसर, ह्यूमन बॉडीज, ये सारी चीजें मिलती हैं। उसके अलावा यहाँ पे 23 आर्टिफैक्ट भी मिलते हैं। आर्टिफैक्ट यानी कुछ औजार वगैरह बने हुए मिलते हैं शेल्टर्स में, जिसमें से अभी सिर्फ 13 ही बचे हैं, बाकी तो चोरी हो गए। उसके अलावा यहाँ पे लेडर मिलती है, लेडर लॉन्ग मैनमेड नेचर इज कंपेयर्ड टू दी लेडर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गया हमारा सिंगरगढ़ वाला एरिया के बारे में बात कर ली हम लोगों ने। अब हम बात करते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर। देखिए रॉक कट आर्किटेक्चर भी अपने आप में एक एविडेंस है लाइफ का, क्योंकि देखिए रॉक कट आर्किटेक्चर के अंतर्गत आता क्या है। रॉक कट आर्किटेक्चर के अंतर्गत आते हैं केव्स।
टेम्पल्स, तो अगर ऐसी चीजें हैं, किसी ने बनाई हुई हैं इतनी हिस्ट्री के अंदर, इतने इतिहास में अगर किसी ने ये चीजें बनाई हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है? ये तो किसी इंसान के द्वारा ही बनाई गई होंगी, तो यही इसीलिए ये एज अ प्रूफ के तौर पे भी काम करते हैं। तो जैसे कि जोगीमर्रा केव्स हैं, जो कि सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती हैं, जोगीमर्रा केव्स की लोकेशन सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे भी पेंटिंग्स वगैरह मिलती हैं, जैसे एनिमल्स, ह्यूमन बींग, बर्ड एंड फ्लावर्स की। और यहाँ पे जो पेंटिंग की गई है वो व्हाइट बेस प्लास्टर विद अ रेड आउटलाइन, ये रिमार्केबल फीचर है, इसको याद रख लेना। उसके अलावा कबरा पहाड़ केव्स, ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हैं, ठीक है, कबरा पहाड़ केव्स। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये नेचुरली मेड केव्स हैं, मतलब खुद से बाय नेचर बनी हुई हैं, और ये शेल्टर्स के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी उस टाइम के आदिवासी इसके द्वारा। अब जैसे कि मैंने आपके बारे में, आपको अभी स्टोन एज के बारे में बताया था, तो यहां से आप इसको याद कर लेना, नोट्स में मैंने मेंशन कर दिया है। जैसे पेलियोलिथिक, यानी पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो ओल्ड स्टोन एज। मेसोलिथिक का मतलब मिडिल स्टोन एज। नियो का मतलब न्यू, न्यू स्टोन एज। चालको का मतलब कॉपर, कॉपर स्टोन एज। मेगालिथिक का मतलब ह्यूज स्टोन। ये एक ऐसी एज थी जिसके दौरान मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, और मॉन्यूमेंट तो छोड़िए, जो अगर लोग मर जाते थे तो उनको जहां दफनाते थे उसके बगल में लोग बड़े बड़े वो रख देते थे पत्थर, तो इसको हम लोग मेगालिथिक एज के नाम से जानते हैं। प्री हिस्ट्री वो वाली हिस्ट्री होती है जिसकी कोई रिटन हिस्ट्री ना हो हमारे पास, ठीक है, और ये यहाँ पे इन सब का मीनिंग लिखा हुआ है, तो प्लीज याद कर लेना। अगर हम इसके टाइम के बारे में बात करें तो ओल्ड स्टोन एज जो है वो एग्जिस्ट, उसको हम लोग मानते हैं 10,000 BC तक जो टाइम पीरियड रहा होगा, पुराने टाइम से लेके 10,000 BC तक वो ओल्ड स्टोन एज है, ओल्ड स्टोन एज रही है, यानी प्रीहिस्ट्री रही है, यानी पेलियोलिथिक एज रही है। उसके बाद आती है मेसोलिथिक स्टोन एज, जो 10,000 से 6,000 BC तक मानी जाती है। फिर आती है नियोलिथिक, जो 6,000 से 4,000 BC तक आती है। फिर आती है आपकी चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज वाला वही पीरियड है जब हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था, यानी 3300 BC से शुरू हुआ था और कुछ 1300 BC तक चला था, राइट, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं अली हरप्पन पीरियड और लेटर हरप्पन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। लेकिन एक और बात याद रखना कि जो हमारा हरप्पन सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो चालकोलिथिक का पार्ट नहीं थी, ठीक है, वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से जानी जाती थी। तो ये आपको सारी टाइमलाइन क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं मेगालिथिक जो कल्चर था छत्तीसगढ़ में, उसके भी एविडेंसेस मिलते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो मेगालिथिक का पार्ट रहा होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ एविडेंसेस मिले हैं हमें। तो देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि छत्तीसगढ़ में कब पैलियोलिथिक एज की समाप्ति हुई और कब नियोलिथिक एज शुरू हुई होगी। जो बड़े डोंगर नाम की जगह है, वहां पे जो फोर्टिफाइड हिल्स हैं, वो हमें नियोलिथिक ड्वेलर्स के बारे में बताते हैं। नियोलिथिक सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस करना उन्होंने शुरू कर दिया था, डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इससे अगर कहीं पे भी हमें डोमेस्टिकेशन देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिलते हैं, तो हम उससे अंदाजा लगाते हैं कि भैया ये नियोलिथिक एज रही होगी, ठीक है। वेराइटी ऑफ ग्राउंड एंड पॉलिश्ड टूल्स एंड पॉटरी प्रोड्यूस्ड बाय द नियोलिथिक पीपल आर अनप्रीसिडेंटेड, ये ऐसे कुछ एविडेंसेस वहां से मिलते हैं मैनी। अब ये जो नियोलिथिक के बारे में है, इसके हमें एविडेंस मिलते हैं कहां से? घर धनोरा, राजपुर, घर चंडेला, घर बोधरा ऑफ सबरी एंड इंद्रावती वैली। इसी टाइम पे, नियोलिथिक के टाइम पे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी स्टार्ट हुआ था। नियोलिथिक पीपल अपने आप को सेटल करके कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था उन्होंने, और अब ये जो है वो फूड गैदरर, क्योंकि अगर हम बात करते हैं नियोलिथिक से पहले की, तो मेसोलिथिक पीरियड में लोग बाग फूड गैदरर थे, अब नियोलिथिक में जो लोग बाग आए वो फूड प्रोड्यूसर हो गए हैं, एग्रीकल्चर उन्होंने डेवलप कर लिया है। तो उस टाइम का जो एग्रीकल्चर था वो एक बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का एग्रीकल्चर था। वो लोग किस टाइप का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे? हो कल्टीवेशन, या जिसको बर्न मेथड के नाम से भी जानते हैं, या दिपा या पेंडा के नाम से भी जानते हैं, गोंडी लैंग्वेज में इसे पेंडा कल्चर बोलते हैं। तो जो आप लोगों ने श्लेष एंड बर्न एग्रीकल्चर सुना है ना, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो सुना है, ये इसी का ही प्रिमिटिव फॉर्म है। पेंडा कल्टीवेशन के ऊपर एमपीपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ध्यान रखना है इसको। उसके अलावा ये जो प्रिमिटिव टाइप के कल्टीवेशन के जो एविडेंसेस हैं, ये हमें मिलते हैं अबुझमार एरिया से। कहां से? अबुझमार एरिया से। ये अबुझमार वाला एरिया है छत्तीसगढ़ में,
जहां से हमें एविडेंसेस मिलते हैं कल्टीवेशन के, प्रिमिटिव कल्टीवेशन के। और ऐसा भी माना जाता है, लोग बाग ये बोलते हैं कि यहां पे जो ट्राइब्स रहती हैं वो डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं नियोलिथिक एज के जो लोग बाग हुआ करते थे उनके, मतलब नियोलिथिक एज के लोग बाग यहां इन ट्राइब्स के पूर्वज रहे होंगे। और यहां से एक और थ्योरी भी होती है कि जब आर्यंस आए थे इंडिया में, भारत में जब आर्यंस आए वैदिक पीरियड में या महाजनपदा पीरियड में, तो जो माइग्रेशन हुआ होगा इंडस पीपल का, देखिए भारत का मैप ये है, यहां पे ऐसा बोला जाता है जो आर्यंस आए वो यूरोपियन डिसेंडेंट के थे, वो वहां से आए होंगे, और यहां पे जो इंडस सिविलाइजेशन के लोग हैं वो उठ के कहां पे आ गए, छत्तीसगढ़ में आ गए। थ्योरी रिलेटेड टू द माइग्रेशन ऑफ इंडस पीपल टू दिस रीजन इज दैट द नागा पीपल माइग्रेटेड टू दिस रीजन अबाउट 1700 BC, यानी ये इंडस पीपल जब इंडस सिविलाइजेशन का डिक्लिनेशन शुरू हो गया था तो ये उस चीज को भी दर्शाते हैं। और वो कैसे दर्शाते हैं, क्योंकि इस एरिया में नागाज रहने आ गए थे। तो इसके बाद फिर इमर्जेंस होता है एक और नए कल्चर का, ऑफ अ मोर प्रिमिटिव स्टेज। उसके अलावा जैसे ही मैंने बताया कि अब नया कल्चर यानी जो नियोलिथिक कल्चर समाप्त होता है, नियोलिथिक के ही बाद या उसी टाइम पीरियड के साथ साथ मेगालिथिक पीरियड भी चल रहा था, तो ऑल ओवर दी मारियागोंड रीजन जो है, मारियागोंड रीजन, वहां पे मेगालिथिक टॉम्स देखने को मिलती हैं। इस टाइप की टॉम, यहां पे किसी को दफनाया और ये बड़े बड़े पत्थर रख दिए, इसीलिए इस टाइम पीरियड का नाम मेगालिथिक कल्चर के नाम से जाना जाता है, और ये कल्चर आज तक वहां पे देखा जाता है। उसके अलावा प्रेजेंट डे प्रैक्टिस ऑफ मेमोरियल हैव मेनी सिमिलैरिटीज विद द प्रैक्टिस ऑफ मेगालिथिक पीरियड, बट वन मे नॉट लाइक टू कंक्लूड दैट द प्रेजेंट डे ट्राइबल कम्युनिटीज आर द सक्सेसर ऑफ मेगालिथिक पीरियड। तो यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बोलूं, हमने अभी क्या बात की, हमने बात की है एक तरीके से जो प्री हिस्ट्री में कोई मटेरियल एविडेंसेस हैं या नहीं छत्तीसगढ़ में उनके बारे में, हमने देखा किस तरीके से छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ रखा गया, हमने उसके बाद ये जाना कि क्या हमें प्रूफ मिलते हैं कि छत्तीसगढ़ में लाइफ रही होगी। तो सबसे पहले हमने बात की रॉक आर्टिफैक्ट यानी रॉक के बने हुए कुछ औजारों की, ठीक है ना, जो हमें कहाँ से मिलते हैं भैया, रेणुका नदी के तट से मिलते हैं। उसके बाद फिर हमने बात की रॉक आर्ट साइट्स की, यानी जो पेंटिंग्स वगैरह हमें देखने को मिली। उन पेंटिंग्स के बाद हम लोगों ने देखी कुछ रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में बात की, जिसमें हमने दो केव्स के बारे में बात की, और इसके बाद हम डिटेल में छत्तीसगढ़ का जब आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे वहां पे इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि भाई मेगालिथिक कल्चर भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। और एक और बात याद आपको बता दूं, मेगालिथिक कल्चर जो है वो नॉर्थ इंडिया का इतना ज्यादा मेजर पोर्शन नहीं है, ये नॉर्मली साउथ इंडिया में ही देखा जाता है ये वाला कल्चर, जो नियोलिथिक के टाइम पीरियड के पैरेलल में ही चल रहा था। अब यहां से आज का लेक्चर तो यहीं पे समाप्त होता है, अगले लेक्चर में हम प्री हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे इन ऑर्डर कि भैया पैलियोलिथिक के एविडेंस कहां से मिलते हैं, नियोलिथिक के एविडेंसेस कहां से मिलते हैं, या मेगालिथिक के एविडेंसेस किस डिस्ट्रिक्ट से मिलते हैं, ठीक है। और ये तो हमने आज मटेरियल एविडेंसेस के बारे में बात कर ली है। अब यहां से मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूं टू मेक दिस लेक्चर मोर इंटरेस्टिंग। आप लोग ये बताइए, जब छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन होता है 1 नवंबर 2000 में, ठीक है, ये तो सब ये डेट सबको पता होगी, ये बताइए इसी के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ के पहले सीएम बने, पहले गवर्नर बने, उनके नाम क्या हैं? इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है, साथ ही साथ करते रहेंगे कवर तो आपको भी मजा आता रहेगा। चलिए तो ये लेक्चर आज तक यहां तक ही है, मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो लेक्चर है काफ़ी पसंद आया होगा, और ये जो छत्तीसगढ़ की जीके की लेक्चर सीरीज है वो आपको पसंद आ रही होगी। दोस्तों अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्टली मुझसे इस ईमेल आईडी पे मेल करके अपने डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हैं, या कॉमेंट सेक्शन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉमेंट करके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। प्लस आप लोग अपनी तरफ से जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं प्लीज़ आप उन क्वेश्चंस के जवाब दें और अपना पार्टिसिपेशन शो करें। अगर आपको और कोई भी डाउट हो, चाहे प्रिपरेशन रिलेटेड हो, एग्जाम रिलेटेड हो, तो भी आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। आपको एक ही काम करना है, एक तो आपको अपने रिव्यूज छोड़ने हैं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है या ये लेक्चर कैसा लगा, तो ये आप अपने रिव्यू लाइक डिसलाइक या कॉमेंट करके दे सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप अगर आपको कोई भी कंटेंट या रिसोर्सेज या पीडीएफ वगैरह को एक्सेस करना है तो आप स्ट्रीट जीरो की वेबसाइट जो कि www.streetzero.in है उस पर जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर सो पेशेंटली. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. देखते रहिए. ऑल द बेस्ट एंड दस विदानियां.